आज हम इस वीडियो के अंदर डी एन एस आई वी फ्लूड के बारे में बात करने वाले हैं इसका यूज कब किया जाता है इसका यूज करते समय क्या क्या सावधानी रखनी है और क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं पूरी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी मार्केट के अंदर आपको डी एन एस अलग अलग परसेंट के साथ साथ ढाई सौ एम एल पाँच सौ एम एल और हजार एम एल तक देखने को मिल जाता है डी एन एस का पूरा नाम डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सेलाइन होता है यानी इसके अंदर डेक्स्ट्रोज होता है और साथ ही साथ सोडियम क्लोराइड होता है जो डेक्स्ट्रोज होता है वो एनर्जी प्रदान करने का काम करता है और सोडियम क्लोराइड होता है वो हमारे बॉडी के फ्लूड को मेंटेन रखता है और हमारे बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करता है और उनका ट्रांसपोर्ट करता है अब हम डी के यूज के बारे में बात कर लेते हैं तो जब किसी पेशेंट के अंदर आइफो की प्रॉब्लम हो जाती है यानी पेशेंट को ज़्यादा उल्टी हो जाती है डायरिया हो जाता है या उनकी बॉडी के अंदर ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है जिसके कारण पेशेंट के अंदर फ्लूड की कमी हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में इस डीएनएस का यूज किया जाता है और जब किसी पेशेंट के अंदर डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी हो जाती है या इंजरी के कारण बॉडी के अंदर फ्लूड की कमी हो जाती है या ऑपरेशन करने से पहले या ऑपरेशन करने के बाद भी इस डीएनएस का यूज किया जाता है और कुछ पेशेंट के अंदर वीकनेस आ जाती है यानी उनके शरीर के अंदर कमजोरी आ जाती है जैसे कि जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं उनके शरीर के अंदर कमज़ोरी आ जाती है तो ऐसे पेशेंट के अंदर डीएनएस के अंदर मल्टीविटामिन इंजेक्शन डाल के उन पेशेंट को ये डीएनएस चढ़ाया जाता है और कुछ पेशेंट को कुछ डिजीज हो जाते हैं जिनके कारण उनके शरीर के अंदर कमजोरी आ जाती है जैसे कि किसी को डेंगू हो जाता है तो डेंगू के कारण पेशेंट के शरीर में काफ़ी कमजोरी आ जाती है वो बराबर खाना नहीं खाता और उनको उल्टी की प्रॉब्लम रहती है सर दर्द करता है तो ऐसी कंडीशन में भी डी के अंदर वे इंजेक्शन डालकर पेशेंट को चढ़ाया जाता है तो ये डी हमारी बॉडी के अंदर जो कमजोरी आ गई है उसको दूर करता है और जो बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो गया यानी इलेक्ट्रोलाइट का इम्बेलेंस हो गया है तो ये सभी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इसका यूज किया जाता है अब हम बात करते हैं डी का यूज करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए तो डी का यूज करते समय पेशेंट का हिस्ट्री देखा जाता है यानी पेशेंट को पहले कौन कौन सा प्रॉब्लम है और पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो चेक किया जाता है तो ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल होता है तभी इस डी को लगाया जाता है और जो डायबिटिक या शुगर के पेशेंट होते हैं तो उनके अंदर शुगर बढ़ा हुआ होता है तो ऐसी कंडीशन में डी का यूज नहीं किया जाता है अगर डी एन डायबिटीज़ पेशेंट को लगाया जाता है तो उनके शरीर के अंदर शुगर लेवल बढ़ सकता है उनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है और जिन पेशेंट को सीवियर हार्ट प्रॉब्लम होती है या सीवियर किडनी की प्रॉब्लम होती है तो ऐसे पेशेंट के अंदर भी इसका यूज नहीं किया जाता और किसी पेशेंट को डीएनएस के कारण एलर्जी होती है सेंसिटिविटी है तो ऐसे पेशेंट के अंदर भी इसका यूज नहीं किया जाता अब हम बात कर लेते हैं डीएनएस का यूज़ करते समय पेशेंट को क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं तो जब ये आई वी लगाया जाता है तो इंजेक्शन की साइड पेशेंट को रिएक्शन हो सकता है यानी वहाँ पर पेन हो सकता है और वहाँ पर सूजन आ सकती है या रेडनेस आ सकती है पेशेंट का ब्लड प्रेशर भी कम हो सकता है पेशेंट को फीवर आ सकता है और पेशेंट को कम कमी हो सकती है पेशेंट को सर्दी भी लग सकती है और जब पेशेंट को फीवर आए या उनको कम कमी आए या उनको सर्दी लगे तो ऐसी कंडीशन में ये आई वी फ्लूड्स बहुत ही स्लो लगाया जाता है ये आई वी फ्लूड सिंगल यूज होता है यानी अगर आपने एक बार इसको ओपन कर दिया तो हम इसको एक बार यूज कर सकते हैं दोबारा इसको यूज नहीं कर सकते और इसकी डोज पेशेंट की कंडीशन पर निर्भर करता है पेशेंट को कौन सी प्रॉब्लम है और पेशेंट का एज कितना है तो उसी कंडीशन के आधार पर पेशेंट की डोज निर्भर होती है तो इस डी का यूज़ डॉक्टर की सलाह के अनुसार या डॉक्टर की गाइड के अंदर ही करना चाहिए तो उम्मीद करता हूँ आपको डी के बारे में काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल गई वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं